फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल के कशिश की कहानियाँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए जल्दी से मिलते हैं रेसिपी के साथ। कम फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो राजस्थान की एक बहुत ही फेमस रेसिपी है जिसका नाम है लहसुन की चटनी। ये मेरे घर में तो सबकी फेवरेट है, बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं लहसुन की चटनी कैसे बनाती हूँ, क्योंकि इसकी आपको काफ़ी रेसिपीज़ मिल जाएंगी, बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज़ है। बट मैं जिस तरीके से ये रेसिपी बनाती हूँ, आप प्लीज़ एक बार इसको ट्राई कीजिए और आप कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रेसिपी के लिए हमें चाहिए लहसुन की चटनी के लिए टमाटर, हमें एक बड़ा चाहिए रहेगा, और हमें कुछ रेड फ्रेश वाली जो मिर्चें हैं वो चाहिए रहेंगी, और हमें गार्लिक, क्योंकि ये लहसुन की चटनी है तो लहसुन तो इसमें डलना लाजमी है। तो ये तीन चीज़ों से हम बनाएंगे आज लहसुन की चटनी। और एक चीज़ इसमें और हम ऐड करेंगे, जो कि है अदरक का टुकड़ा, क्योंकि अदरक तो मेरी बहुत ही फेवरेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इसे इस तरीके से दरदरा पीसना है, हमें बिल्कुल ज़्यादा प्यूरी नहीं बनानी है इसकी, हम इसे थोड़ा सा इस तरीके से ही रखेंगे, दरदरा सा। मैंने पल्स मोड पर इसको इस तरीके से कर दिया है। हमने एक पैन में ये घी डाल दिया है, आप चाहें तो टोटली इसे ऑयल में बना सकते हैं, टोटली घी में बना सकते हैं, या फिर ऑयल और घी मिक्स भी कर सकते हैं। तो मैं इसको घी में बना रही हूँ, तो मैंने घी ले लिया है एक कढ़ाई में। जैसे ही घी गर्म हुआ, मैंने ये मिक्सचर जो है इसमें डाल दिया है, और अब मैं अच्छे से इसे सिम पर पका लूँगी, फिर मैं आपसे बताती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या ऐड करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने 5 मिनट तक सिम पे इस तरीके से पका दिया है। अभी ये थोड़ी और भी पकेगी, लेकिन पहले हम इसकी सीजनिंग कर लेते हैं। तो सीजनिंग के लिए मैं इसमें फ्रेंड्स, हालांकि इसमें रेड चिली है, आप चाहें तो इसमें वो पाउडर वाली डाल सकते हैं, चाहें तो नहीं डाल सकते जो लोग तीखा नहीं खाते, लेकिन मैं और मेरी फैमिली पर्सनली तीखा बहुत पसंद करते हैं। तो मैं इसमें रेड चिली ऐड करूँगी, थोड़ा सा अमचूर, नमक, हल्का सा धनिया पाउडर, बिल्कुल हल्का सा, जस्ट फॉर फ्लेवर, थोड़ा सा काला नमक। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी हल्की सी काली मिर्ची, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और मैं इसे अच्छे से मिक्स करके, और ये क्योंकि थोड़ी सी फ्रेंड्स चिपक रही है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, और अब मैं इसे ढक के और सिम पे पकाने छोड़ते रख दूँगी, जब तक कि ये तेल पर ना आ जाए। कि कितने अच्छे से घी पर आ गई है, और अब हम इसमें थोड़ा सा घी ऊपर से भी ऐड करेंगे, बिकॉज़ ये जो घी है ना, इसमें ये बहुत अच्छी लगती है चटनी। तो थोड़ा सा हल्का सा घी और हम ऐड करेंगे, और इसे 5 मिनट्स और पकाएंगे हम, एंड इट्स डन। फ्रेंड्स, हमारी लहसुन की चटनी बनके रेडी है, आप प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि ये आपको कैसी लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, आपके सपोर्ट मुझे बहुत 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 ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल के कशिश की कहानियाँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए जल्दी से मिलते हैं रेसिपी के साथ। कम फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो राजस्थान की एक बहुत ही फेमस रेसिपी है जिसका नाम है लहसुन की चटनी। ये मेरे घर में तो सबकी फेवरेट है, बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं लहसुन की चटनी कैसे बनाती हूँ, क्योंकि इसके आपको काफ़ी रेसिपीज़ मिल जाएंगी, बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज़ है। बट मैं जिस तरीके से ये रेसिपी बनाती हूँ, आप प्लीज़ एक बार इसको ट्राई कीजिए और आप कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रेसिपी के लिए हमें चाहिए लहसुन की चटनी के लिए टमाटर, हमें एक बड़ा चाहिए रहेगा, और हमें कुछ रेड फ्रेश वाली जो मिर्चें हैं वो चाहिए रहेंगी, और हमें गार्लिक, क्योंकि ये लहसुन की चटनी है तो लहसुन तो इसमें डलना लाजमी है।
तो ये तीन चीज़ों से हम बनाएंगे आज लहसुन की चटनी। और एक चीज़ इसमें और हम ऐड करेंगे जो कि है अदरक का टुकड़ा, क्योंकि अदरक तो मेरी बहुत ही फेवरेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इसे इस तरीके से दरदरा पीसना है। हमें बिल्कुल ज़्यादा प्यूरी नहीं बनानी है इसकी, हम इसे थोड़ा सा इस तरीके से ही रखेंगे, दरदरा सा। मैंने पल्स मोड पे इसको इस तरीके से कर दिया है। हमने एक पैन में ये घी डाल दिया है। आप चाहें तो टोटली इसे ऑयल में बना सकते हैं, टोटली घी में बना सकते हैं, या फिर ऑयल और घी मिक्स भी कर सकते हैं। तो मैं इसको घी में बना रही हूँ। तो मैंने घी ले लिया है एक कढ़ाई में। जैसे ही घी गर्म हुआ, मैंने ये मिक्सचर जो है इसमें डाल दिया है। और अब मैं अच्छे से इसे सिम पर पका लूँगी, फिर मैं आपसे बताती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या ऐड करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने 5 मिनट तक सिम पे इस तरीके से पका दिया है। अभी ये थोड़ी और भी पकेगी, लेकिन पहले हम इसकी सीजनिंग कर लेते हैं। तो सीजनिंग के लिए मैं इसमें फ्रेंड्स, हालांकि इसमें रेड चिली है, आप चाहें तो इसमें वो पाउडर वाली डाल सकते हैं, चाहें तो नहीं डाल सकते जो लोग तीखा नहीं खाते, लेकिन मैं और मेरी फैमिली पर्सनली तीखा बहुत पसंद करते हैं। तो मैं इसमें रेड चिली ऐड करूँगी, थोड़ा सा अमचूर, नमक, हल्का सा धनिया पाउडर, बिल्कुल हल्का सा जस्ट फॉर फ्लेवर, थोड़ा सा काला नमक। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी हल्की सी काली मिर्ची, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और मैं इसे अच्छे से मिक्स करके, और ये क्योंकि थोड़ी सी फ्रेंड्स चिपक रही है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। और अब मैं इसे ढक के और सिम पे पकाने थोड़ी देर रख दूँगी, जब तक कि ये तेल पे ना आ जाए। कि कितने अच्छे से घी पर आ गई है। और अब हम इसमें थोड़ा सा घी ऊपर से भी ऐड करेंगे, बिकॉज ये जो घी है ना, इसमें ये बहुत अच्छी लगती है चटनी। तो थोड़ा सा हल्का सा घी और हम ऐड करेंगे और इसे 5 मिनट्स और पकाएंगे हम, एंड इट्स डन। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि मैं इसमें लहसुन की चटनी में हमें हींग भी डालनी है, जो मैं भूल गई थी डालना। और लास्ट में जो है हम इसमें लेमन स्क्वीज करेंगे, ताकि इसमें बिल्कुल भी कड़वाहट ना रहे। ये हाफ या 1 लेमन आप इसमें स्क्वीज कर सकते हैं, एंड या इट्स डन। यम्मी चटनी रेडी है और आप इसका मज़ा ले सकते हैं। और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। फ्रेंड्स, हमारी लहसुन की चटनी बनके रेडी है। आप प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि ये आपको कैसी लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। आपके सपोर्ट मुझे बहुत 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 ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।